हेलो एवरीवन, तो अब हम लिनक्स के अगले वीडियो की तरफ चल रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, हमने ग्रुप मैनेजमेंट लास्ट टॉपिक में किया था और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं परमिशन मैनेजमेंट का पार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, परमिशन मैनेजमेंट और आगे डिस्क मैनेजमेंट आएगा, सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। तो चलो थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्मेट में समझते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये परमिशन मैनेजमेंट पे करते क्या है, पहले ये चीज समझते हैं। ठीक है, परमिशन मैनेजमेंट में होता क्या है? तो दोस्तों परमिशन मैनेजमेंट में हम परमिशन की चीजें देखते हैं, किसी फोल्डर पे रीड की परमिशन कैसे देंगे, कैसे छीनेंगे, ठीक है, किसी फाइल पे रीड की परमिशन कैसे असाइन करना है, कैसे निकालना है, रिमूव करना है, यही सारी चीज़ें सीखते हैं। तो प्रैक्टिकली तो चलो ठीक है, बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं थ्योरी, कि किसी फोल्डर को अगर आपने रीड दिया तो क्या, कैसा ऑपरेशन होगा वहाँ पे, फाइल को रीड दिया तो कौन सा ऑपरेशन होगा, राइट दिया तो कौन सा ऑपरेशन होगा, एग्जीक्यूट दिया तो कौन सा ऑपरेशन होगा, और अगर रीड राइट एग्जीक्यूट दिया तो कौन सा ऑपरेशन होगा, पहले इनके बारे में समझते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, परमिशन का जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना दोस्तों, ये तीन ही आपको मिलेंगे। एक मिलेगा रीड, आर फॉर रीड, एक मिलेगा डब्ल्यू फॉर राइट, और एक मिलेगा एक्स फॉर एग्जीक्यूट। तीन ही एट्रीब्यूट्स आपको मिलने वाले हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब इनकी न्यूमेरिक वैल्यू भी है, ये जो मैंने R लिखा है ये सिंबॉलिक है, ऐसे इनकी न्यूमेरिक वैल्यू 4 होती है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 2 होती है और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 1 होती है। तो R फॉर रीड, W फॉर राइट, X फॉर एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अगर हम R W X को कंबाइन कर दे तो ये ऐसे हो जाता है R W X, ठीक है, और अगर इनको न्यूमेरिक में देखें तो 7, क्लियर। अब समझते हैं थोड़ा सा आगे चल के, अगर आपने किसी फोल्डर को, किसी फोल्डर में अगर आपने रीड की परमिशन दिया तो इसका मतलब क्या है, ओनली रीड की दिया। तो दोस्तों अगर आपने किसी फोल्डर में रीड की परमिशन दिया, इसका मतलब ये होता है कि उस फोल्डर के अंदर क्या रखा हुआ है वो चीज आप लिस्ट कर सकते हो, मतलब उस फोल्डर पे आप ls कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगर आपने फोल्डर पे w की परमिशन दिया तो क्या होगा, अगर आपने किसी फोल्डर पे w की परमिशन दे दिया, मतलब राइट की परमिशन दे दिया, इसका मतलब आप फोल्डर के अंदर कुछ कंटेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो, कुछ फाइल फोल्डर बना सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने फोल्डर पे एग्जीक्यूट की परमिशन दिया, इसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूट मतलब एंटर करना। तो अगर आपने किसी फोल्डर में एक्स की परमिशन दिया दोस्तों, तो आप उस फोल्डर के अंदर एंटर कर सकते हो, मतलब सीडी कमांड से जा सकते हो, ये होता है मतलब। अब कई बार सिचुएशन ऐसा आता है, ठीक है, कई बार सिचुएशन ऐसा आता है कि किसी ने आपसे बोला कि फोल्डर पे रीड की परमिशन दे दो, ठीक है, आप गए फोल्डर पे रीड की परमिशन देके आ गए। अब क्या होता है कि जब बंदा सीडी कमांड चलाता है, जब बंदा एलएस करता है उस फोल्डर पे, ठीक है, जब बंदा उस फोल्डर पे एलएस करता है, सॉरी दोस्तों कुछ काम आ गया था तो वीडियो पॉज करना पड़ा, चलो। तो मैं क्या बोल रहा था, अगर हमने किसी फोल्डर को, अगर किसी बंदे ने बोला फोल्डर पे रीड की परमिशन दे दो, ठीक है, आप फोल्डर पे गए, आपने रीड की परमिशन दे के बाहर आ गए, अब उस फोल्डर पे अगर आप ls चलाओगे ना तो नहीं चलेगा, क्योंकि एंटर करने की तो परमिशन ही नहीं है, तो देखोगे कैसे भाई, समझ आ रही ना मेरी बात। तो इसीलिए अगर आपसे कभी कोई बोलता है कि फोल्डर पे रीड की परमिशन दे दो, इसका मतलब आपको x अपने साइड से ऐड कर देना है, क्योंकि अगर आपने x नहीं दिया तो रीड की परमिशन भी काम नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखना।
इसी तरीके से किसी ने आपसे बोला कि भाई फोल्डर पे री किसी ने बोला आपसे फोल्डर पे राइट की परमिशन दे दीजिए, और आप गए फोल्डर पे राइट की परमिशन दे के आ गए, बस राइट की दिए, अब वो बंदा उस फोल्डर पे कुछ नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर किसी ने बोला फोल्डर पे राइट की परमिशन दे दीजिए, इसका मतलब है कि आपको उसके ऊपर रीड और एक्स अपने साइड से ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों जब कोई चीज लिस्ट कर पाओगे तभी तो राइट कर पाओगे ना, समझो चीजों को। तो कई बार हमारे बॉस जो होते हैं ना, वो ऐसे हमसे बातें करते हैं, घुमा मतलब शॉर्टकट तरीके से बात करते हैं। वो बोलते हैं भाई इस पे रीड की परमिशन दे दो, अब हमने रीड की दे के आ गए, अब वो काम नहीं कर रहा। तो हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि भाई एक्स को ऐड करना है। किसने बोला कि इस फोल्डर पे राइट की परमिशन दे दो, इसका मतलब वो बंदा आपसे कह रहा है कि फुल परमिशन दे दो। राइट का मतलब भाई आप किसी को एडिट कर पा रहे हो, मॉडिफाइड कर पा रहे हो, रिमूव कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको फुल परमिशन। तो आपको जब कोई बोलता है आपको राइट की परमिशन देना है, इसका मतलब आपको रीड और एक्स अपने साइड से ऐड करना है। तो इसीलिए तो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं कि हमें चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये सारी प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी फोल्डर पे रीड दिया तो क्या मतलब है, राइट दिया तो क्या मतलब है, एक्स दिया तो क्या मतलब है। ठीक है, अगर आपने किसी फोल्डर पे एक्स दे दिया, इसका मतलब क्या है कि फोल्डर के अंदर जा सकते हो, एलएस नहीं कर सकते, फिर आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने किसी फाइल को रीड की परमिशन दिया तो क्या मतलब है, फाइल को आप पढ़ सकते हो। राइट दिया क्या मतलब है, फाइल के अंदर कुछ लिख सकते हो। और एक्स दिया क्या मतलब है कि फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब स्क्रिप्ट, कोई फाइल आपने बनाया तो उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो वाया स्क्रिप्ट थ्रू। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से परमिशन, जब हम किसी फोल्डर का अगर हमें परमिशन देखना है तो हमें ये कमांड चलानी पड़ती है ls-ld, और किसी फाइल का परमिशन देखना है ls-l। तो मैं आपको दिखाता हूं ऐसा प्रैक्टिकली मैनर। ठीक है, हम एक फोल्डर बनाते हैं mkdir न्यू दिल्ली नाम का एक फोल्डर हमने बनाया और ls-ld किया न्यू दिल्ली। तो ये देखो इसकी परमिशन ये आ गई। अब इसकी परमिशन टोटल देखा जाए तो ये मेन जो होते हैं यहाँ पे 10 एट्रीब्यूट्स आपके सामने नजर आ रहा है। वन, ये वन है, वन एट्रीब्यूट्स हो गया, ये वाला डी जो है, और ये 9 हो गया, और एक ये डॉट आ रहा है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ, टोटल 11 एट्रीब्यूट्स होते हैं परमिशन को पढ़ने के लिए। तो अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा इसको दूर दूर कर देता हूँ, ऐसे बांट देता हूँ मैं थोड़ा सा इसको दूर दूर कर देता हूँ। ठीक है, समझने में क्लियर होगा। तो दोस्तों ये देखा जाए तो 11 एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे टोटल। अगर आप गिनो तो पहला वाला जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे डी है, तो डी आपको डिनोट करता है दिस इज द डायरेक्टरी, दिस इज द डायरेक्टरी, डी फॉर डिनोटिंग। ठीक है, उसके बाद ये जो एट्रीब्यूट्स है ये तीन एट्रीब्यूट्स, ये तो आपको पता है रीड है, राइट है, एक्सिक्यूट है। और ये जो तीन होते हैं दोस्तों, ये तीनों एट्रीब्यूट्स ऑनर का परमिशन होता है। ऑनर भाई, इसका ऑनर कौन है। उसके बाद ये देखो रीड और माइनस है और एक्स है, मतलब रीड डब्लू खा गया। ये होते हैं ग्रुप के, ग्रुप ऑनर, जो भी ग्रुप ऑनर है उसके परमिशन लिखे हुए। और दोस्तों ये जो होता है रीड और राइट, ये अदर के लिए होता है। अभी बताऊंगा अदर कौन हुआ यहां पर, ये तीन एट्रीब्यूट्स। अदर, और ये जो डॉट आपके सामने दिख रहा है ये छोटा सा, ये डॉट है दोस्तों, ये बताता है इस फोल्डर पे एडवांस परमिशन लगी है कि नहीं। बोले तो ACL बताता है,
तो अगर डॉट है मतलब ACL नहीं लगा, अगर ये डॉट प्लस में कन्वर्ट आपको कभी दिखता है तो समझ जाओ ACL लगा इस फोल्डर के ऊपर। तो टोटल 11 एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें से परमिशन का जो मेन है 9 है और लास्ट वाला ACL बताता है। डॉट है मतलब ACL नहीं है, और अगर ये प्लस में कन्वर्ट हो गया इसमें ACL लगा हुआ है। तो ऑनर का मतलब क्या हुआ, जिसने फोल्डर बनाया वो उसका ऑनर है, उस ऑनर पे रीड और राइट एक्स की परमिशन है। उसके बाद जब आपने देखा जब फोल्डर बनाते हो तो ऑनर का कॉलम भी आता है, ग्रुप ऑनर का भी आता है, तो ये ग्रुप ऑनर है जो राइट उस फोल्डर पे जो भी वो ग्रुप ऑनर होगा उसकी ये परमिशन होगी R-X, और उस ग्रुप के मेंबर को भी वही होगी। और अदर कौन है यहाँ पर, जिसने फोल्डर बनाया है उसके अलावा इस OS में जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे अदर्स होंगे, तो अदर को रीड और एक्स की परमिशन है, मतलब राइट नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से फाइल देख लेते हैं भाई। फाइल का भी ऐसे ही होता है, एक फाइल बनाते हैं टच न्यू फाइल करके, फाइल की परमिशन ls-l से हम देखते हैं न्यू फाइल, ये देखिए। तो फाइल में इस तरीके से आपको नजर आएगा, यहां पर भी 11 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप समझ सकते हैं। यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको भी तीन तीन भाग में बांट देते हैं। तो ये जो बता रहा है माइनस, ये बताता है दिस इज द फाइल, फाइल टाइप बता रहा है, और ये बता रहा भाई ऑनर का परमिशन, ऑनर को भी रीड और राइट है, एक्स नहीं है। ये बता रहा भाई ग्रुप ऑनर का, ये बता रहा भाई अदर का, और ये डॉट बता रहा भाई इस पे ACL नहीं लगा हुआ। ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी बात। क्लियर। तो जब भी कोई फाइल और फोल्डर हम बनाते हैं तो जो परमिशन होता है एक्चुअल में, जो परमिशन होता है वो ये होता है, यहां से स्टार्ट होता है यहां तक। ठीक है, ये फर्स्ट वाला तो एट्रीब्यूट्स बताता है दिस इज द फाइल टाइप और डायरेक्टरी टाइप। तो अगर आप ये फर्स्ट वाले एट्रीब्यूट को छोड़ दे तो उसके स्टार्टिंग का जो तीन करेक्टर है ये ऑनर का परमिशन बता रहा है, उसके बाद का तीन ग्रुप ऑनर का, उसके बाद का तीन अदर का, और लास्ट का डॉट बताता है ACL नहीं लगा, मतलब एडवांस परमिशन नहीं है। अगर कभी प्लस में नजर आता है तो समझना एडवांस परमिशन है, जो हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और आगे की बात यह है कि दोस्तों जब एक रूट यूजर कोई डायरेक्टरी बनाता है तो उस डायरेक्टरी पे डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है वो देखते हैं, और अगर कोई रूट यूजर कोई फाइल बनाता है तो उस फाइल पे डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफॉल्ट परमिशन ऑफ डायरेक्टरी। If root user will create, अगर root user ने बनाया तो क्या हो? तो root user अगर एक directory बनाता है mkdir india तो इसकी permission क्या होगी, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी permission आपको इस तरीके से नजर आएगी rwx, पहले तो d होगा, ठीक है, फिर होगा rwx, फिर होगा R-X, फिर होगा R-X, ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, और अगर हम इसको एज अ न्यूमेरिक वैल्यू कॉल करें तो R की वैल्यू 4 हो गई, W की वैल्यू 2 हो गई, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, और इनको प्लस कर दिया गया है तो 7 हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं। ऐसे R की वैल्यू 4 माइनस राइट है नहीं, एक्स की वैल्यू 1, तो हम इसको 5 बोल देते हैं, और इसको भी हम 5 बोल देते हैं, तो हम 755 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर रूट यूजर कोई डायरेक्टरी बनाता है तो आप उसको रीड राइट एक्स, रीड राइट रीड एक्स, रीड एक्स बोल सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट में 755 बोल सकते हैं। ऐसे अगर रूट यूजर ने कोई डायरेक्ट फाइल बनाई, मान लो टच करके एक फाइल बनाई, तो इस पर क्या होगा, इसको इस तरीके से नजर आएगा आपको, रीड एक्स, रीड एंड राइट, रीड रीड, ऐसे नजर आएगा। मतलब ऑनर को रीड और राइट है, एक्स नहीं होता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल को एक्सक्यूट नहीं करता, सिर्फ उसको
कैट करता है या उस पर कुछ एडिट वगैरह करते हैं, ठीक है। और ग्रुप को क्या है, रीड है, और अदर को भी रीड है, ये डिफॉल्ट। इसको न्यूमेरिक बोले तो वैल्यू 2 and 4 and 2 तो क्या हो जाएगा 6, इसकी वैल्यू क्या हो गई 4, इसकी वैल्यू 4, तो आप इसको एज अ शॉर्टकट 6 4 4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रूट की हो गई डिफॉल्ट परमिशन, अगर रूट यूजर ने कोई डायरेक्टरी बनाई और कोई फाइल बनाई तो ये डिफॉल्ट परमिशन होता है। अब बात करते हैं भाई डिफॉल्ट परमिशन ऑफ डायरेक्टरी इफ नॉर्मल यूजर विल क्रिएट। हम यहां पे डायरेक्टरी एंड फाइल दोनों लिख देते हैं, ठीक है, और यहां पर भी वही लिख देते हैं। तो अब समझते हैं भाई क्या होता है। तो नॉर्मल यूजर ने अगर कोई डायरेक्टरी बनाया mkdir इंडिया, तो इसकी परमिशन ये इस तरीके से नजर आएगा दोस्तों आपको, डी रीड राइट एक्स, रीड राइट एक्स और रीड माइनस एक्स, ऐसे आएगा, ठीक है। तो मतलब भाई इसका ऑनर कौन होगा, जो भी नॉर्मल यूजर बनाया उसका ऑनर होगा, तो उसको क्या परमिशन है 7। उस फोल्डर का ग्रुप ऑनर भी वही होगा तो 7, मतलब जो फोल्डर बनाता है वही उसका ऑनर होता है, वही उसका ग्रुप ऑनर होता है, तो 7। और अदर को क्या है भाई 5, तो 775 आप बोल सकते हैं। ऐसी अगर उसने फाइल बना दी टच इंडिया, तो फाइल को क्या परमिशन है, इस तरीके से आएगा नजर आपको, RW और R, ऐसे आएगा। मतलब ऑनर के पास 6 की परमिशन है, ग्रुप ऑनर भी 6 वही होगा, और इधर 4। तो अदर यूजर मतलब एक्सेप्ट, जैसे ये नॉर्मल यूजर हैरी है, तो हैरी के अलावा बाकी सब अदर के पार्ट है। तो दोस्तों ये डिफॉल्ट परमिशन है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि भाई डिफॉल्ट परमिशन, ये जो डिफॉल्ट परमिशन है, रूट यूजर अगर कोई डायरेक्टरी बनाया तो डिफॉल्ट परमिशन आप बता सकते हो, फाइल बनाया तो ये होती है, और नॉर्मल यूजर ने बनाया तो ये होती है, और ये होती है फाइल के केस में। अब हम पूरे टॉपिक में यही सीखेंगे भाई इन परमिशन को कैसे चेंज करना है, 755 से हटा के 700 कैसे करना है, रीड हटाना है, किसी को रीड देना है, ये सारी चीजें हम पूरा प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो चलो ठीक है, फिर ये एक परमिशन का थ्योरी वीडियो था, अब अगला वीडियो होगा मेरा प्रैक्टिकल के ऊपर। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, तो दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं।